तरस खाया उसने, छोड़कर आसमां को जमीं पर आशियां बनाया उसने, मुंह फेर कर क्यों चला? फिर भी ऐ नादान इंसान, तेरी ही खातिर अपने आप को सूली पर चढ़ाया उसने। कुर्बान हो गया वो पापी जहां के खातिर, सूली पे चढ़ गया बख्शी हमें आजादी कुर्बानी मेरे मसीह की, सूली जहां है क्या हालत की है मसीह की, कैसे बयां करूं मैं मुसीबत मेरे मसीह की, कैसे बयां करूं मैं मुसीबत मेरे मसीह की, सुनी जहान है क्या हालत की है मसीह की, कैसे बयां करूं मैं मुसीबत मेरे मसीह की, मुसीबत मेरे मसीह की, मुसीबत मेरे मसीह की। हे यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रो, परंतु अपने और अपने बालकों के लिए रो। देखो वे दिन आ रहे हैं जब लोग कहेंगे, धन्य है वे स्त्रिया जो बांझ है, धन्य है वे गर्भ जिन्होंने बच्चे को जन्म नहीं दिया, धन्य है वे स्तन जिन्होंने दूध नहीं पिलाया। उस समय वे पहाड़ों से कहेंगे, हम पर गिरो, और पहाड़ियों से हमें ढांप लो। जब वे हरे पेड़ के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं तो उसके सूखने पर उसके साथ क्या कुछ न किया जाएगा। सूली ही मौत बन गई, मुक्ति प्रभु सब चला। वे और दो मनुष्यों को जो कुकर्मी थे उसके साथ वध करने को ले चले। खुद सबका क्रूस उठाए, प्यारा मसीह चला, जहां कब अपने कंधों पे ले चला, खुद सबका क्रूस उठा। जब वे उस जगह पहुंचे जिसे खोपड़ी कहते हैं, तब उन्होंने यीशु को और उन दोनों कुकर्मियों को क्रूस पर लटका दिया, एक को यीशु के दाहिनी ओर और दूसरे को बाईं ओर क्रूसों पर चढ़ाया। Thank you.
कलवरी से बह रही है खून की जो धार, कलवरी से बह रही है खून की जो धार, ये है मेरे लिए मेरे मसीहा का प्यार, कलवरी से बह रही और उसे मुर मिला हुआ दाखरस देने लगे, परंतु यीशु ने नहीं लिया। और पिलातुस ने एक दोष पत्र लिखकर क्रूस पर लगा दिया और उसमें यह लिखा हुआ था, यीशु नासरी, यहूदियों का राजा। यह दोष पत्र बहुत यहूदियों ने पढ़ा, क्योंकि वो स्थान जहां यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया था नगर के पास था, और वो पत्र इब्रानी, लतीनी और यूनानी में लिखा हुआ था। ये क्या लिखा है? जो क्रूस पर लगाया गया है वो गलत लिखा गया है। ये दोष पत्र बदला जाना चाहिए। चलो हम पिलातुस हाकिम से कहें ये दोष पत्र बदल दें। चलो चलो। मेरे गुनाहों के लिए क्या क्या ना दुख सहा, मुझ पापी को बचाने के लिए कुर्बा मसीहा हुआ, कैसा अनोखा है मेरे लिए मेरे प्रभु का त्याग। यहूदियों का राजा मत लिख, परंतु ये लिख कि उसने कहा कि मैं यहूदियों का राजा हूं। मैंने जो लिख दिया सो लिख दिया। ये कुर्ता बिना सिए बुना इसलिए मुझसे ना फाड़े। हाँ चलो हम इसे ना फाड़े। चलो हम चिट्ठी डालते हैं कि हम में से किसको मिलेगा। ए मंदिर को ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले, अपने आप को बचा ले। परमेश्वर का पुत्र है तो क्रूस पर से उतरा। उतरा नीचे। परमेश्वर का पुत्र, उसने औरों को बचाया परंतु अपने आप को नहीं बचा सकता। ये इज़राइल का राजा है। इज़राइल का राजा है। इज़राइल का राजा मसीह क्रूस पर से उतर आए ताकि हम देखकर विश्वास करें। उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा है। यदि वो इसको चाहता है तो अब इसे छुड़ा ले, क्योंकि इसने कहा था कि वो परमेश्वर का पुत्र है। इसी प्रकार डाकू भी जो उसके साथ क्रूसों पर चढ़ाए गए थे उसकी निंदा करते थे। हे पिता, इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। ये
इसलिए हुआ कि पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो, कि उन्होंने मेरे कपड़े आपस में बांट लिए और मेरे वस्त्र पर चिट्ठी डाली। इसने दूसरों को बचाया। हाँ, यदि ये परमेश्वर का मसीह है और उसका चुना हुआ है तो अपने आप को बचा ले। बचा ले। ये हो गई है क्या हालत, ये हो गई है क्या इंसान की, यहाँ बर्बादियों के रास्ते में हो गया जहाँ इंसान के इस हाल पर यीशु रो पड़ा। यदि तू यहूदियों का राजा है तो अपने आप को बचा। क्या तू मसीह नहीं तो फिर अपने आप को और फिर हमें भी बचा। क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तुझे भी तो वही दंड मिला है। हम तो निहंसार अपने दंड पा रहे हैं क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं, पर इसने कुछ भी अनुचित नहीं किया। हे यीशु, हे यीशु, जब तू अपने राज में आए तो मेरी सुन लेना, मेरी सुन लेना। मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ, तू स्वर्ग लोक में होगा। यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वो प्रेम रखता था पास खड़े देखकर अपनी माता से कहा, हे नारी, देख, ये तेरा पुत्र है, ये तेरी माता है। उसी समय से चेला यूहन्ना मरियम को अपने घर में ले गया। दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधेरा छाया रहा। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द में पुकार कर कहा, एली, एली, लमा शबक्तनी। हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? ये तो एलिया को पुकारता है। हाँ, ऐसा ही लगता है। ऐसा ही लगता है। मैं प्यासा हूँ। प्यासा हूँ। उन्होंने पीक मिला हुआ दाखरस उसे पीने को दिया, परंतु यीशु ने चखकर पीना ना चाहा। हेरो, अब इसे अकेला छोड़ दो। देखो नबी एलिया उसे उतारने के लिए आता है या नहीं। हे पिता, हे पिता, हे पिता, मैं अपनी आत्मा
हाथों में सौंपता हूं। और यीशु ने सिर झुकाकर अपने प्राण त्याग दिए। जान अपनी दी मसीह ने इस जहां के लिए, उठा लिया सूली का बोझ मेरे लिए तेरे लिए। ऐसा अनोखा है सबके लिए मेरे प्रभु का प्यार। कलवरी से बह रही है खून की जो धार। और सूर्य का उजियाला जाता था और उसी समय मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर दो टुकड़े हो गया। धरती डोल गई और चट्टाने लुढ़क गईं और कब्रें खुल गईं और सोए हुए पवित्र लोगों की लोथें जी उठी। और उनके जी उठने के बाद वे कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई पड़े। सचमुच परमेश्वर का पुत्र था, निश्चय ये मनुष्य धर्मी था। भीड़ जो ये देखने को इकट्ठा हुई थी इस घटना को देखकर अपनी छाती पीटती हुई लौट गई और उसके साथ जान पहचान और जो स्त्रियां गलील से उसके साथ आई थी दूर खड़ी हुई ये सब देख रही थी। वे गलील से यीशु की सेवा करती हुई उसके साथ आई थी। उनमें मरियम मगदलीनी और छोटे याकूब की माता और योसेस की माता मरियम और सलोमी थी और जब्दी के पुत्रों की माता थी और भी बहुत सी स्त्रियां थीं जो उसके साथ यरूशलेम से आई थी। और इसलिए कि वो तैयारी का दिन था और दूसरा दिन सबत का बड़ा दिन था, यहूदी पिलातुस के पास फिर से आए। अब तुम्हें क्या चाहिए? हम नहीं चाहते कि शरीरों को सबत के दिन क्रूसों पर रखें। तो अब क्या? हम चाहते हैं कि उसकी टांगे तोड़ दी जाए। किस लिए? क्या क्रूस पर चढ़ाने का दंड तुम्हारे लिए काफी नहीं है? नहीं, ये इसलिए ताकि उसकी मृत्यु जल्दी हो जाए। हाँ, क्योंकि अपराधी अपनी टांगों पर वजन सहन नहीं कर पाएगा और उसे सांस लेने में भी तकलीफ होगी और वो जल्दी मारा जाएगा। और आज तैयारी का दिन है और कल हमारा सबत है, सो उनके शरीरों को उतार दिया जाए ताकि वे सबत के दिन क्रूसों पर न रहें। जैसा ये कहते हैं वैसा ही करो। मैं थक चुका हूँ इनसे और इनकी रीति रिवाजों से। बन गई दी प्रभु सबकी कह रही है कलवरी कुर्बानी उसकी कुर्बान हुआ नूरे जहां मेहर बाबो चला सबका क्रूस उठाए। चलो उसकी टांगे तोड़ते हैं। हाँ चलो। मसीह चला। रुको, वो मर चुका है, अब उसकी टांग तोड़ने की कोई जरूरत नहीं। परंतु सिपाहियों में से एक ने बर्छे से उसका पंजर भेदा और उसमें से तुरंत लहू और पानी निकला। ये बातें इसलिए हुई कि पवित्र शास्त्र की ये बात पूरी हो कि उसकी कोई हड्डी तोड़ी ना जाएगी। और फिर एक और स्थान पर ये लिखा है
कि जिसे उन्होंने वेधा है वे उस पर दृष्टि करेंगे। क्या यह चंबित कर देने वाली बात नहीं है जबकि वो मर चुका है? हाँ, परंतु लहू और पानी कैसे निकला? ये इसके हृदय में बर्छा भेदने का परिणाम है जो कि पानी की थैली को भेद कर हृदय तक गया। हाँ चलो चलकर इसी मृत्यु की सूचना दे।